दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल बिना स्टडी कैन में स्वागत है। तो दोस्तों सीजी सेट या सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस में क्रैक करने के लिए कौन सी रणनीति बनाना है, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि आपके पास क्या रणनीति होना चाहिए, कौन से टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों बात करते हैं सीएसआईआर नेट या सेट के लिए। तो सीजी सेट का एग्जाम अभी हाल ही में होने वाला है 28 अक्टूबर को, तो उसके लिए हमको रिवाइज भी करना है तब और उसको अच्छे से पढ़ना है तब, दोनों के लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में मेनली तीन पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इन तीनों पार्ट में से हम कोई दो पार्ट पढ़ लेते हैं तो हमारा जो है सेट आसानी से क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं नेट में तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यदि आप नेट दिलाने वाले हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या रणनीति बनाना होगा। तो बात करते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में। ये तीनों में से सबसे इजी पार्ट होता है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक सबसे इजी पार्ट होता है बशर्ते ऑर्गेनिक और फिजिकल के। तो इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में कौन से टॉपिक है जिनको हमको पढ़ना है। तो इनऑर्गेनिक में सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, और कोऑर्डिनेशन जो पढ़ेंगे हम पूरा बेसिक पढ़ेंगे क्लास 11th से क्लास एमएससी तक। तो इसके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमको क्लास 11th से लेकर के एमएससी तक का पूरा बेसिक पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद हमको पढ़ना है ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, इसका भी पूरा बेस लेवल का जो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है उसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, और उसके साथ ही साथ बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमको पढ़ना है, जिसमें आपको बहुत सारे बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के अंतर्गत जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ना है। और ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑर्गेनोमेट्रिक मेटलिक ये जो हमको मिलेगा वो ऑर्गेनिक बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अजय कुमार में से मिलेगा। तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको 11th से एमएससी तक का लेवल पूरा पढ़ना है, और ये इसके लिए वो जो रेफरेंस बुक है वो अजय कुमार है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए अजय कुमार बेस्ट बुक है, इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद हमको पढ़ना है मेन ग्रुप एलिमेंट, ये जो हमको मिलेगा वो है जेडी ली के बुक से मिलेगा। तो मेन ग्रुप एलिमेंट, उसके बाद हमको मेन ग्रुप एलिमेंट में हमको एस और पी ब्लॉक पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये सब जो चीज है हमको भी बेसिकली पढ़ना है 11th से लेकर के एमएससी तक। उसके बाद हमको न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी पढ़ना है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमको फिजिकल में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी हमको क्लास 11th से लेकर के 12th बीएससी सेकंड ईयर फाइनल और एमएससी तक पढ़ना है, जिससे हमको इस वाले पोर्शन से हमको 50 to 60 क्वेश्चन हमको हमसे सॉल्व हो जाएगा यदि टॉपिक इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े तब। तो दोस्तों इसके लिए आपको इनऑर्गेनिक में बेसिकली अजय कुमार का बुक, जेडी ली का बुक, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए आपको फिजिकल का बुक देखना पड़ेगा। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों ये थोड़ा सा उलझा हुआ रहता है, और इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो इसके लिए हम ऑर्गेनिक में सभी टॉपिक ना पढ़ करके कुछ चुनिंदा टॉपिक को पढ़ेंगे। यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है उसमें बहुत मेहनत लगता है उसको सॉल्व करने में, और जो स्ट्रक्चर होता है उसमें यदि कुछ गड़बड़ हो गई तो जो हमारा जो आंसर रहता है वो थोड़ा सा मैच नहीं हो पाता, तो इसमें स्टार करने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऑर्गेनिक में हम कुछ टॉपिक ऐसे देख लेते हैं जो हमको आती है, जिसको हमने बेसिक पढ़ा है, तो उसमें से हमको पढ़ना पड़ेगा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको 11th से लेकर के बीएससी एमएससी तक का लेवल पढ़ना पड़ेगा, उसमें से हमको बेसिक रिएक्शन देखना पड़ेगा, जैसे कि SN1, SN2, SN3 और कुछ रिएक्शन है उसको हमको इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना पड़ेगा। उसके साथ हमको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देखना पड़ेगा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है आपको आपने पढ़ा हुआ है और थोड़ा सा इजी भी है। उसके बाद फोटो केमिस्ट्री में हमको देखना पड़ेगा, फोटो केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक भी आप देख सकते हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप NMR, UV, विजिबल
आदि देख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको सभी को ना देख करके कुछ चुनिंदा टॉपिक को हम ले करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इतने टॉपिक को पढ़ेंगे तो कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, 2 और 4 पार्ट में, 4 नंबर के मार्क्स में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हमको क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद ग्रुप थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकते हैं, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रिया, फिजिकल इक्विलिब्रिया, सॉलिड स्टेट। इतना टॉपिक यदि हम कर सकते हैं तो हमारा जो सेक है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा नेट के लिए। तो दोस्तों यहाँ से फिजिकल जो केमिस्ट्री है वहां से आपको 60-70% मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकता है, लेकिन फिजिकल इतना आसान नहीं है दोस्तों, उसपे लगातार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और सबसे इजीएस्ट पास होता है केमिस्ट्री में वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको ये जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ना होता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है उसको सॉल्व करने के लिए, और इसके लिए अच्छी अच्छी बुक पढ़ना पड़ता है। तो आप इसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ जो टॉपिक है चुनिंदा टॉपिक उसको आप पढ़ करके आप जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पूरे में पूरे मार्क्स लाने की आवश्यकता नहीं है, यदि 300 मार्क्स का क्वेश्चन लिया जाता है एग्जाम तो आपको 300 में 300 लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ओनली 50% मार्क्स लाने की आवश्यकता होती है। जेआरएफ की बात करते हैं तो दोस्तों जेआरएफ में आप 120 प्लस में आपका जेआर क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं सेट के लिए, सेट के लिए आपको चाहिए ओबीसी के लिए 50, ओबीसी के लिए आपको चाहिए 50% आपको यहां से 300 में से आप यदि 170 से 180 मार्क्स ला लेते हैं तो आपका जो है वो सेट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज फॉलो योर स्ट्रेंथ पार्ट, आपका जो स्ट्रेंथ मजबूती जिस पार्ट पर है उस पार्ट पर आप ज्यादा फोकस कीजिए। और दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको कुछ डाउट है तो मेरे चैनल पर जाइए, मेरे ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं vinayrd143@gmail.com पर, ये मेरा ईमेल आईडी है दोस्तों। और दोस्तों यदि चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।